अब यूपी में बेटियों से बदसलूकी करने वालों की खैर नहीं, चौराहों पर चस्पा किए जाएंगे छेड़छाड़ करने वालों के पोस्टर, शुरू किया जाएगा ऑपरेशन दुराचारी। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना यूपी, तैयार किया जाएगा तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के 20 लाख छात्रों का डाटा। यूपी में निर्माण योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई जाएगी मॉनिटरिंग ऑडिटर अथॉरिटी, घोटालों भ्रष्टाचार पर नकेल की कवायद, सिर्फ सीएम योगी को होगी रिपोर्टिंग। कृषि बिल को सीएम योगी ने बताया किसान हितैषी, कहा रुकेगा किसानों का शोषण, नहीं खत्म हो रही है एमएसपी। कृषि बिल पर सीएम त्रिवेंद्र रावत ने कहा मोदी सरकार किसानों की हितैषी है, कुछ लोग किसानों को बरगला रहे हैं। बारिश के बाद यूपी के कई शहरों में दिखी जलभराव की स्थिति, करीब 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में कोवैक्सीन के तीसरे चरण के ट्रायल को योगी सरकार की मंजूरी, लखनऊ और गोरखपुर में किया जाएगा वैक्सीन का ट्रायल। फर्रुखाबाद में कुएं की सफाई के दौरान हादसा, दीवार धंसने से दबे दो किसान, रेस्क्यू जारी। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ज्वेलरी शोरूम को लूटने की कोशिश, लूटपाट में नाकाम, बदमाशों ने की फायरिंग। ग्रेटर नोएडा में एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष, 6 से ज्यादा लोग जख्मी, दनकौर इलाके की वारदात। देहरादून के एयरपोर्ट की इको फ्रेंडली बिल्डिंग 42,776 वर्ग मीटर में फैले नए टर्मिनल में 36 चेक इन काउंटर्स होंगे, 4 एयरो ब्रिज होंगे। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की ब्रांडिंग के लिए प्रोत्साहन योजना लागू करने की तैयारी में यूपी सरकार, रिटेल स्टोर्स को दी जाएगी 40,000 से 5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि। अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार तैयार करेगा यूपी में फिल्म सिटी का डीपीआर, आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई के प्रस्ताव के बाद फिल्म पॉलिसी में कुछ बदलाव भी संभव। जौनपुर में रास्ते के विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए, इस दौरान दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले, 5 लोग घायल हो गए। सीतापुर में हजारों की तादाद में मछलियां मर गई, मछलियों की मौत के कारण का पता नहीं चल पाया। फिट इंडिया संवाद में पीएम नरेंद्र मोदी ने 7 शख्सियतों से फिटनेस पर जाने अनुभव, देश को मिला पीएम मोदी का फिटनेस मंत्र, फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज। बॉलीवुड एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा का बड़ा खुलासा, कहा बड़े क्रिकेटर्स की बीवियां लेती हैं ड्रग्स। रकुल प्रीत सिंह को मिला एनसीबी का समन, कल होगी पूछताछ। गोवा से मुंबई लौट रही है दीपिका पादुकोण, एनसीबी के समन के बाद शुक्रवार को होगी दीपिका से पूछताछ। ड्रग्स मामले में एनसीबी की सिमोन खंबाटा और श्रुति मोदी से पूछताछ। 26 सितंबर को सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से एनसीबी करेगा पूछताछ। करण जौहर की कंपनी धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर क्षितिज प्रसाद को एनसीबी का समन, कल सुबह 11 बजे मुंबई के एनसीबी दफ्तर में बुलाया। एनआईए की श्रीनगर के कई इलाकों में छापेमारी, एलओसी पर कारोबारियों की आतंकियों को फंडिंग पर एनआईए की रेड। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों से मुठभेड़, एक आतंकी ढेर, बांदीपुरा में बाइक पर आए आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर चलाई गोली। जम्मू कश्मीर के हीरानगर सेक्टर में पाकिस्तान ने किया सीज फायर का उल्लंघन, बड़गाम में आतंकियों ने की बीडीसी चेयरमैन की गोली मारकर हत्या। कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीएमसी को लगाई फटकार। पंजाब के डेरा बस्सी में निर्माणाधीन इमारत गिरने से 4 लोगों की मौत। दिल्ली दंगा मामले में गिरफ्तार उमर खालिद को कड़कड़डूमा कोर्ट ने 22 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सूत्रों के हवाले से खबर, जाकिर नायक के पीस टीवी मोबाइल ऐप और फेसबुक पेज पर शिकंजा कसने की तैयारी। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी को बताया लफाजी का लॉलीपॉप।